और अब बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की, जिसने लोकसभा चुनाव का शंखनाद एक तरीके से कर दिया है, लेकिन कांग्रेस की पहली सभा में ही विवाद खड़ा हो गया और ये विवाद खड़ा हुआ है खड़गे की वजह से। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बूथ कार्यकर्ताओं की चयन प्रक्रिया को लेकर ऐसा क्या कह दिया कि बीजेपी अब हमलावर हो रही है, क्यों इतनी किरकिरी हो रही है, सब कुछ दिखाते हैं इस रिपोर्ट। जयकारे लग रहे हैं, कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, तालियां बज रही हैं। ये तस्वीरें दिल्ली की हैं, जहां कांग्रेस की सियासी सभा हुई। ये सभा लोकसभा चुनाव के आगाज के तौर पर की गई। चुनाव को लेकर कांग्रेस ने हुंकार तो भरी है, लेकिन पहली सभा का असर होता उससे ज्यादा कहर फैल गया। पहले आप खड़गे का वो बयान सुन लीजिए। कुत्ता खरीदना है तो उसका कान पकड़ के ऐसा ऊपर उठाते, ऊपर उठाने के बाद अगर वो भोगता है तो ठीक है, अगर कोई कोई करता है तो ठीक नहीं, कोई लेता नहीं। तो आप भी सिलेक्शन करते वक्त जो भोगता है, जो लड़ता है, जो आपके साथ रहता है, उसको ले लो। सुना आपने, बूथ लेवल के कार्यकर्ता चुनने की सलाह देते वक्त खड़गे ने उनकी तुलना कुत्ते से कर दी। फिर क्या बीजेपी को हमला बोलने का मौका मिल गया। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने कांग्रेस अध्यक्ष का एक वीडियो अपने सोशल मीडिया हैंडल से शेयर किया और उन पर जमकर निशाना साधा। जिस पार्टी का अध्यक्ष अपने संगठन की सबसे मजबूत और महत्वपूर्ण कड़ी बूथ एजेंट को कुत्ता बनाकर उसका टेस्ट लेना चाहता है, तो उस पार्टी की दुर्गति होनी तय ही है। शर्मनाक। बता दें कि कांग्रेस की यह सभा दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई, जिसे न्याय संकल्प रैली का नाम दिया गया। इस रैली में कांग्रेस के बूथ लेवल के कार्यकर्ता से लेकर वरिष्ठ नेता तक सभी शामिल हुए।